हे व्हाट्सअप गाइस, तो यार आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे सारे। तो यार आज जो है ना है मीरव का बर्थडे और हम बाहर आए हैं, पीछे रुहान साहब भी बैठे हुए हैं। सो रुहान साहब, तो जी अभी जो है ना हम बाहर आए हैं केक वगैरह खरीदने। तो मीरव ने मुझे बता दिया था कि कौन सा उसे केक चाहिए, उसको चाहिए लोटस केक, तो वो जाके खरीदते हैं और उसकी फेवरेट बेकरी से वो जाके लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और आगे के कुछ प्लान्स हैं। आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक रेस्टोरेंट है स्पाइस बाजार, जहाँ के अमेरिकन लोग आके अफ्रीकन जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ से खाना खाते हैं और पाकिस्तान में उन्हें बहुत पसंद आ जाता है। हालांकि जब कोई बाहर के मुल्क से आता है टेस्ट डेवलप करने में इश्यू होता है, लेकिन स्पाइस बाजार का खाना कहते हैं उन्हें पसंद आ जाता है। और गूगल के ऊपर भी रेटिंग स्पाइस बाजार की बहुत ज़्यादा है, जो इनकी MM आलम वाली ब्रांच है उसकी। DH वाली का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन MM आलम वाली ब्रांच की तो बहुत रेटिंग है। तो वहाँ चलते हैं, आपको वहाँ का सारा फूड रिव्यू भी करवाएंगे और साथ में मीरव के बर्थडे भी वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ये जो है ना, मैं मार्केटिंग के उस पर नहीं वीडियो बना रहा, ना ये वीडियो कोई स्पॉन्सर है, लेकिन जो स्पाइस बाजार की पुरानी ब्रांच है वो MM आलम रोड पे है गुलबर्ग, और जो न्यू बनी है वो DHA के अंदर है। लेकिन हाँ, वो पुरानी वाली ब्रांच के अंदर जाएंगे और वहाँ जाके उनका टेस्ट करते हैं खाना कैसा है, और देखते हैं कि क्या ये मिथ है कि फैक्ट है कि खाना स्पाइस बाजार का अच्छा है या बुरा। पहचान लिया लास्ट टाइम नहीं पहचाना था आपने? नहीं सर, मैं आपको क्यों नहीं पहचान सकता। चलें, बहुत मेहरबानी आपकी, मैं आपको बिल्कुल दिल से चाहता हूँ यार। बहुत शुक्रिया, आप शायरी अच्छी करते हैं। बहुत शुक्रिया, शायरी तो आपकी फेमस हो गई है। मेरा और मीरव का फेवरेट लोटस केक इसके ऊपर भी हम लिखवा रहे हैं। हाँ, रुहान को भी पसंद, लेकिन मेरा और मीरव का तो एक खीर फेवरेट है। तो यार कुछ सामान है, जरा कैंडल्स, पार्टी पॉपर और साथ में कैप्स, बर्थडे कैप्स वो ले लिए, आप चलते हैं। तो यार ये देखो हमारा सेट तैयार हो गया है, यहाँ केक पड़ा हुआ है। तो अभी मीरव को नहीं पता कि हम क्या करने लगे हैं, वो आएगी हम अचानक से पार्टी पॉपर फाड़ देंगे और हम उसे कहने लगे, उसे बुलाते हैं कि हम जाने लगे हैं, जल्दी आ जाओ। मीरव आ रही है, आ रही है। ओ पट गया। अच्छा भाई ये देख लो, पार्टी पॉपर का सत्यानाश हो गया। चलो यार अब आ जाओ केक काटने। शुक्र है हमारा पार्टी पॉपर फट गया। मीरव डरी इसलिए नहीं क्योंकि उसने हमारे हाथ में पार्टी पॉपर देख लिया था। तूने हमारे हाथ में पार्टी पॉपर देख लिया था। हाँ तो ये डरी नहीं, हमारा प्रोग्राम फेल हो गया, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट फट गया पार्टी पॉपर। ये अच्छा था। हाँ ये वानी, इसने मुझे स्पेशल कह के मंगवाया था। तो मैं मीरब अपनी पहली सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। चलो भाई चलो भाई सबको खिला दो केक्स। पेट में आते हो? हाँ जो पड़े। थैंक यू। ओके। रुहान। अब मैं कैमरामैन। तो अपन ने पीन नहीं खाई, वो खानी चाहिए। माय बर्थडे से ज्यादा मुझे केक खाने की खुशी हो रही, बहुत अच्छा था। यार टॉपी वाके पता नहीं मैं केड़ा एलियन बन गया, ला दिया हूं। मेरे बाल पता नहीं कैसे खराब हो गए होंगे। तो यार अभी हम जा रहे हैं स्पाइस बाजार, मैंने आपको बताया था अभी हम रास्ते के अंदर हैं, तो आपको वहाँ फिर पहुँच के मिलते हैं और थोड़े रास्ते में सीन वगैरह लेके शूट करके आप आगे देख लो यार। स्टार्टिंग के अंदर क्रैकर्स आ गए हैं तो खा लो भाई। यहाँ क्रैकर्स फिर से आ चुके हैं, यहाँ खाना आ गया जी। तो यार कढ़ाई के साथ स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात मैं बता दूं इनकी, ये कढ़ाइयाँ जो है ना ये हाफ हाफ ही है, फुल ये देते ही नहीं, हाफ हाफ फिर हमने दो मंगवाई हैं। साथ में रोगनी नान। मीरव की बर्थडे है, बर्थडे का सॉन्ग भी पीछे लग गया है, तो भैया अब ट्राई करते हैं, बंद भी हो गया। अच्छा अब ट्राई करते हैं इनकी हांडी। कौन सी हांडी थी? मुर्गा हांडी। अच्छा मुर्गा हांडी चिकन ओके है, बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं है, पर गट सी। अच्छी है हांडी,
बट कढ़ाई ज्यादा अच्छी थी। ओके है कढ़ाई, ये हांडी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो यार जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मुझे थोड़े से डाउट्स हैं, कि बल्कि शायद आप लोगों को मैंने वीडियो में पता नहीं कहा है कि नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट मुझे ये था कि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि स्पाइस बाजार का खाना अच्छा होगा या बुरा होगा। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपने मैंने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सुना था कि स्पाइस बाजार का खाना जी बहुत एक्स्ट्रा है, कि वो इतना अच्छा है, टूरिस्ट जा रहे हैं। मैं पता नहीं क्या, ठीक है जी ट्राई कर लें। मीरब से भी पूछा, उसने भी कहा ठीक है जी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तारीफें एक जगह की सुनी है तो आप उसे ट्राई करना ऑफकोर्स चाहते हैं। तो यार मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ओवररेटेड है स्पाइस बाजार। अगर आप उधर जाते हो स्पाइस बाजार, आपको एक तो खाने की इतने ज्यादा टेस्ट अच्छा नहीं मिलेगा और वर्थ इट नहीं है। प्राइसेस जो है मैं आपको उस हिसाब में बता देता हूँ। जैसे कि अब हम नॉर्मली जाते हैं, हमें एक चिकन कढ़ाई मिलती है तकरीबन 2000 की आराम से मिल जाती है हमें हर उसके अंदर, लेकिन यहाँ भी 2000 ही, लेकिन हमें 2000 की मिलती है 800 ग्राम्स, ठीक है। और यहाँ कितनी थी, और बिल्कुल हाफ कढ़ाई, जिस तरह की हमें मार्केट के अंदर हाफ मिलती है ना कढ़ाई, उतनी इसकी क्वांटिटी थी कढ़ाई की। और जो हांडी थी उसकी तो 350 ग्राम जी मान लिया, लेकिन कढ़ाई की क्वांटिटी नॉर्मल बाकी रेस्टोरेंट से कम और प्राइस सेम, और टेस्ट भी कोई नहीं। अगर टेस्ट सही हो ना तो बंदे को ऐसा फील नहीं होता, टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं। और कबाब बारबेक्यू तो बिल्कुल ही अजीब था, मतलब बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं था। कढ़ाई का फिर भी ठीक था, मैंने बारबेक्यू का रिव्यू भी नहीं दिया पीछे इसीलिए। हांडी का टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं था, कढ़ाई ठीक थी, पास थी, कढ़ाई अच्छी थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी प्राइस के हिसाब से। तो ओवरऑल ये है कि 10 में से 6 कह सकते हैं, या बल्कि 5, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा थी। पहले मैंने कहा 6, लेकिन जब प्राइस मैंने देखी, बिल आया सामने, और उस हिसाब से जो है ना, मतलब खाना अच्छा हो तो इंसान बिल दे देता, ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन जो उसका टेस्ट था उस हिसाब से इट वॉज वेरी वर्स्ट एक्सपीरियंस, तो नहीं अच्छा लगा। तो यार हाँ एक और बात थी, मीरब का पैगाम है कि वहाँ जी फोटोज वगैरह खींच रहे, दीवारों पर बहुत सारा छिपकलियां थी, लेकिन मेरा कहना मुझे तो नहीं लगा, लेकिन मीरब ने कहा कि कह दो, तो मैं क्या कह दिया। बाकी बहरहाल मीरब को नीचे लाजमी कमेंट बॉक्स में विश करें हैप्पी बर्थडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।